हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बूंदी की सब्ज़ी। हमने जीरा डाल लिया है, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाल के सोटे कर लेंगे। आपने बूंदी का रायता खाया होगा, बूंदी के लड्डू खाए होंगे। आज हम बनाएंगे बूंदी की सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। देखिए इस तरह से, चलिए हम किस तरह से बनाते हैं। दही में मैंने सूखे मसाले डाल लिए हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे सोटे हो गए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। इसको लगातार पकाएंगे, नहीं हमारा मसाला फट जाएगा। तब जब तक उबाल ना आए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। देखिए अब हमारा उबाल आ गया, अब छोड़ सकते हैं। हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया पक के। कितना अच्छी ग्रेवी बनी है हमारी दही से, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें हम एक टमाटर पीस के डालेंगे, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्ज़ी में। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसको हम देखिए हमारा मसाला फटाफटा हो गया है, तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम बूंदी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस तरह ही रखनी है तो पानी नहीं डाले, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी बनानी है तो 1 कप पानी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी सूखी सब्जी तैयार हो जाएगी बूंदी की। अगर हमें ग्रेवी वाली बनानी है तो इसमें हम 1 कप पानी डाल लेंगे, आपके ऊपर है, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। आपके पास जो भी मसाला है, सब्जी मसाला, वो डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। देखिए अब हमारी सब्जी रेडी हो गई, आप भी इंजॉय कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।